नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत में कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनके रहस्यों से आज तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया। इन रहस्यमय स्थानों में कुछ मंदिर भी आते हैं जो वहां घटित होने वाले चमत्कारों के कारण देश के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय स्थान के बारे में बताएंगे जिसमें शाम होने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी शाम होते ही स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यह स्थान है वृंदावन में स्थित निधिवन। स्थान के बारे में कहा जाता है कि आज भी रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाने आते हैं। मान्यता है कि जो भी इस रास लीला को देख लेता है वह पागल हो जाता है। इसी कारण शाम को आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है आज से 10 साल पहले जयपुर से आया एक श्रद्धालु रासलीला देखने के लिए छुपकर बैठ गया था। सुबह वह निधिवन में बेहोश पाया गया। होश में आने पर वह अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। एक और ऐसी ही घटना स्थान से जुड़ी है। कहते हैं कि एक और श्रद्धालु ने भी इसी तरह ही रासलीला देखने का प्रयास किया, लेकिन वह भी पागल हो गया। उस व्यक्ति की समाधि आज भी निधिवन में मौजूद है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति भगवान कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए उस व्यक्ति की समाधि इस स्थान पर बनाई गई है। रंग महल में रोजाना सजाई जाती है सेज। निधिवन में मौजूद रंग महल में हर रात को एक पलंग को सजाया जाता है। कहा जाता है कि इस रंग महल में राधा कृष्ण रोजाना आते हैं। सजाए जाने वाले पलंग के पास पानी, श्रृंगार का सामान, दातुन और पान आदि रखा जाता है। जब सुबह रंग महल का दरवाज़ा खोला जाता है तो पलंग पर बिछा बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, पानी का लोटा खाली होता है, दातुन प्रयुक्त हुई मिलती है। रंग महल में केवल श्रृंगार का सामान चढ़ाने की परंपरा है और इसी श्रृंगार के सामान को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। निधिवन के पेड़ बढ़ते हैं उल्टी दिशा में। आमतौर पर पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन शाखाओं को सहारा देकर ऊपर की ओर उठाया जाता है। रासलीला में तुलसी के पेड़ बन जाते हैं गोपियां। कहा जाता है कि वन में लगे तुलसी के पेड़ रासलीला के दौरान गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। सुबह होते ही यह फिर से तुलसी के पौधों में तब्दील हो जाते हैं। तुलसी के यह पौधे जोड़ों के रूप में होते हैं। इन पौधों का कोई भी हिस्सा नहीं तोड़ा जाता। कहा जाता है कि जिसने भी इन पौधों की डंडी तक ले जाने की कोशिश की उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ा, इसलिए इन पौधों को कोई भी हाथ तक नहीं लगाता। नज़दीक के घरों में नहीं है कोई खिड़की। निधिवन के नज़दीक जितने भी मकान हैं उनमें कोई भी खिड़की नहीं रखी गई। लोगों के अनुसार शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति वन में झांक कर नहीं देखता। जिसने भी निधिवन में देखने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर अंधा हो गया या फिर उसे दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ा। कुछ एक मकानों में खिड़कियाँ हैं, लेकिन वह लोग भी शाम को आरती के बाद सारी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। राधा रानी का मंदिर भी है मौजूद। निधिवन में राधा रानी का मंदिर भी है, जिसे वंशी चोर राधा रानी का मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के हर समय बांसुरी बजाते रहने के कारण राधा रानी ने उनकी बांसुरी चुरा ली थी, लेकिन राधा रानी को लगता था कि कृष्ण उसकी ओर ध्यान नहीं देते, केवल बांसुरी बजाने में ही मगन रहते हैं। इसी मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति भी स्थापित है। वन में स्थित है विशाखा कुंड। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के साथ ही एक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि रासलीला के दौरान विशाखा नामक एक सखी को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को खोदकर पानी निकाला था, इसीलिए इस कुंड को विशाख कुंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी निधिवन से जुड़ी जानकारी। कहा जाता है कि स्थान पर आज भी रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाने आते हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।